वालेकुम। दी मैथ्स मेंटोर के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर। लास्ट लेक्चर के अंदर आपको मैंने सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिहाज से एक इक्वेशन कराई थी, जिसमें आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट करते हैं। आपको रूट्स गिवन होते हैं और उस इक्वेशन में वो पुट किया जाता है। उसके बाद आप क्या बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप, उधर लेक्चर आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, तो कार्ड आपको राइट हैंड साइड पे ऊपर शो हो रहा है, वो लेक्चर का लिंक आप वो लेक्चर ज़रूर देख लें। तो चलते हैं नेक्स्ट। आपको एक्सरसाइज 2.5 कहता है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव फॉलोइंग रूट्स। आपको ये रूट्स देगा, पहला रूट -2 है, दूसरा रूट 3 है। सम ऑफ रूट्स इसका फाइंड किया तो -2 +3 +1 आता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या आता है, -6 आता है। इक्वेशन के अंदर एस की वैल्यू यानी सम ऑफ रूट्स की पुट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की पुट की, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो नेक्स्ट इसका है आपके पास 1 + iota 1 - iota। ये दो, ये तो बड़ा इजी सा इसका था, पार्ट था। आगे दो पार्ट मैंने वो पिक किए जो अक्सर बच्चे कहते हैं जी हमने ये करने हैं, तो उस लिहाज से मैंने कहा आप ही नहीं कि शायद डिमांड करेंगे। 1 + iota 1 - iota आगे एक स्केयर रूट वाला पार्ट है वो पिक किया मैंने। तो 1 + iota 1 - iota ये दो रूट हैं, पहला रूट है 1 + iota, दूसरा है 1 - iota। सम ऑफ रूट्स 1 + iota +1 - iota, तो +iota -iota से कैंसिल और आंसर क्या आएगा, +2। ये आपका आंसर है सम का। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 + iota 1 - iota, इनका प्रोडक्ट आप फाइंड करेंगे तो a + b -b स्क्वायर -b² iota स्क्वायर -1 होता है, तो -(-+1), तो 1 + 1 आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो अब एस की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपके पास +2 थी, इस माइनस की वजह से -2x हो जाएगा, और पी की वैल्यू जो कि +2 आपके पास है, एक्स स्क्वायर -2x +2 इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद एच पार्ट है 3 + √2 3 - √2, ये आपके पास दो रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स आप फाइंड करेंगे 3 + √2 +3 - √2 +√2 -√2 कैंसिल, 3 + 3 आपके पास क्या देगा, तो सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम वही आयोटा वाली की तरह a + b -b की फॉर्म में आ गया, तो 3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 9 - 2 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर -2 बचेगा, ये माइनस इनके सेंटर वाला, तो 9 - 2 आपके पास क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। तो एस की वैल्यू जो कि 6 थी, इस माइनस की वजह से -6x, और पी की वैल्यू आपके सामने ये 7 है, तो ये +x² -6x + 7 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कुछ इस लिहाज से है कि अल्फा बीटा वो कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको इक्वेशन देगा, इन इक्वेशन से आपने सम ऑफ रूट्स यानी -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी c/a से वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो वैल्यू फाइंड करने के बाद आप वैल्यू वो बेसिकली फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के। वो इसलिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करेंगे कि आगे जो आपको पार्ट के अंदर क्वेश्चन देगा वो अल्फा और बीटा की फॉर्म में होंगे। तो आप दो तरीके से ही इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन से लेकर, एक या तो अल्फा प्लस बीटा के अंदर या दूसरी अल्फा बीटा के अंदर। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास ए की वैल्यू 1 है, बी की -3 है, सी की 6 है, इस इक्वेशन से आपने वैल्यूज ली, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, -b/a, जो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -(-3/1) जो कि आपके पास क्या आता है, +3 आता है। सेम इसी तरह आप अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे c/a, सी की वैल्यू यहाँ 6 होती है, ए की क्या होती है, 1 होती है, तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या होता है, c/a होता है, तो 6/1 वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ए पार्ट है आपके पास 2 α + 1 2 β + 1 सम ऑफ रूट्स 2 α + 1 2 β + 1, तो +1 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 α + 2 β आपके पास 2 α + 2 β, यहाँ पे +2 टाइम लग गया है, तो सिंगल टाइम आपका आना चाहिए।
तो टू कॉमन ले लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस टू कॉन्स्टेंट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या निकाल ली थी, आपने थ्री निकाली थी, टू इंटू थ्री प्लस टू सिक्स प्लस टू, आपके पास एस यानी सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आपके पास आएंगे एट आ जाएगा, ये प्लस आपका नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो टू अल्फा प्लस वन टू बीटा प्लस वन ये गिवन रूट्स हैं, गिवन रूट्स का आपने चूँकि प्रोडक्ट निकालना है, तो फोर अल्फा बीटा टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस वन यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होने के बाद फोर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे इनमें से, उसी तरह अल्फा टू अल्फा प्लस टू बीटा से टू कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा और ये प्लस वन वैसे का वैसे आपके पास आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास सिक्स है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है थ्री है, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे जी, अल्फा बीटा की सिक्स है और अल्फा प्लस बीटा के थ्री पुट की तो 24 प्लस सिक्स प्लस वन जो कि आपके पास क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो एस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आपने पुट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट की और ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है अल्फा प्लस बीटा, ये पहला रूट है वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा, ये आपके पास कौन सा रूट है, दूसरा रूट है, इन दोनों रूट को आप क्या करें ऐड करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, इसको आपने नहीं छेड़ना क्योंकि ये सेम टू सेम आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा, इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो वैल्यू वही सेम रहेगी, यू नो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कम्यूटेटिव ला, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थ्री है, ये दोनों थ्री, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की नीचे सिक्स, ये किसकी वैल्यू पुट की अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की, तो एलसीएम लेने के बाद 18 प्लस थ्री ओवर सिक्स आ जाएगा जो कि आपके पास क्या है 21 ओवर सिक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा, इसका अगेन आप एलसीएम लेंगे क्योंकि आपने बाहर रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लेके जाने हैं तो उनकी वैल्यू पुट होगी, अदरवाइज उन आप नेक्स्ट उनको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अल्फा प्लस बीटा ये तो सेम टू सेम रहेंगे, इनके एलसीएम सेम आपका कहाँ गया, ये नीचे आ जाए इधर आ जाए, तो नहीं सही तरह लाइन लगा देते हैं, अजीब सा लग रहा है, तो ये वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा, इसका एलसीएम सेम टू सेम यही आएगा। अच्छा, इसका और इसका फ़र्क सिर्फ ये है कि ये प्लस हो रहे हैं क्योंकि सम ऑफ रूट्स था, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ये आपस में क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, तो एलसीएम वही आएगा। ये देखें जी, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा वैल्यू वही पुट की, बस आपस में ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भी इसको कैंसिल आउट करा सकते हैं, ये थ्री वन टाइम थ्री, ये थ्री टू टाइम सिक्स आपके पास आ जाएगा थ्री ओवर टू, ये थ्री थ्री टाइम नाइन ओवर सिक्स और नाइन ओवर सिक्स, यू नो फिर आपके पास क्या आना है थ्री ओवर टू, तो सम ऑफ रूट्स 21 ओवर 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 3 ओवर 2, तो 6 इन दोनों का एलसीएम आएगा, 6 आप पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, 6x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो आपने इसके रूट्स आगे देगा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, इस इक्वेशन से आपने निकाल ली, ए की वन है, बी की पी है और सी की वैल्यू क्या है क्यू है, तो आप सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी सी ओवर ए, तो बी की वैल्यू पी है तो माइनस पी ओवर वन इसकी आएगी क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी ओवर ए क्यू ओवर वन, तो अल्फा बीटा आपके पास क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी पुट करेंगे और अल्फा बीटा क्या पुट करेंगे क्यू पुट करेंगे। इसका पहला पार्ट बड़ा इजी है, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आप सम निकालेंगे, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, अल्फा प्लस बीटा स्केयर ये बार बार पीछे आपने फार्मूला यूज़ किया है, तो इस फार्मूले को पुट करेंगे, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह अल्फा प्लस बीटा द होल स्केयर माइनस टू अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा द होल स्केयर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये देखें इसकी वैल्यू माइनस पी है, तो ये माइनस में पी मैंने पुट की, टू आगे अल्फा बीटा आपके पास क्या आता है क्यू आता है, तो पी स्क्र माइनस टू क्यू आपके पास किसकी आ जाएगी सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा अल्फा एस की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा बीटा इधर छोड़ें क्योंकि इक्वेशन में एस और पी की वैल्यू ही पुट होनी है,
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एज ए होल का स्केयर आ जाएगा, अल्फा बीटा एज ए होल स्केयर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है तो ये क्यू स्केयर आ जाएगा, एस की वैल्यू आपके पास क्या आएगा पी स्केयर माइनस टू क्यू, तो और पी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा क्यू स्केयर एक्स स्केयर माइनस इंटू पी स्केयर माइनस टू क्यू इंटू, ये आपके पास ये वाला एक्स साथ लाजमी लिखिएगा, ये किसी इक्वेशन में लिखना ना भूलना, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या आएगा आपके पास आ जाएगा क्यू स्केयर आपके पास आ जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन आपके पास है तो सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन आपको मैंने ये इस लेक्चर के अंदर सिर्फ करानी है। सिंथेटिक डिवीजन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कोशेंट एंड रिमाइंडर, कोशेंट एंड रिमाइंडर मैं बड़ी तफसील से आपको 2.6 में ये समझाऊंगा ये क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उस वक्त हम पिक करेंगे तो उसी वक्त इनका समझाना है। बहरहाल आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से कोशेंट और रिमाइंडर में इतना समझा दूँ कि ये आपके पास कोशेंट और रिमाइंडर कुछ इस वजह से कि आपने 6 पे डिवाइड किया है, अगर 2 डिवाइड किया है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 3 टाइम्स 6, इधर 6 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 0। तो ये जो 3 है ये आपके पास क्या है कोशेंट है, और ये जो 0 है ये आपके पास क्या है रिमाइंडर है, और ये आपके पास लीनियर पॉलीनोमियल अगर पॉलीनोमियल की फॉर्म होगी तो, अदरवाइज ये तो सिंपल नंबर्स हैं। तो व्हेन अ पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय, जब ये अंदर वाली को ये कह रहा है जब ये पॉलीनोमियल डिवाइड होगी किससे, ये बाहर एक लीनियर पॉलीनोमियल से, तो इस अमल को क्या कहा जाता है सिंथेटिक डिवीजन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन ज़रा दोबारा देख लें, कहता है सिंथेटिक डिवीजन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कोशेंट एंड रिमाइंडर, ये एक अमल है किसको फाइंड करने का कोशेंट एंड रिमाइंडर, कोशेंट एंड रिमाइंडर आम डिवीजन जो लॉन्ग डिवीजन जिसको कहा जाता है उसके अंदर भी फाइंड हो सकते हैं। तो इसको करने का सिंथेटिक डिवीजन को करने का ख़ास मकसद ये है कि वो यह आगे बता रहे हैं इनफैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज सिंपली अ शॉर्ट कट या अ शॉर्ट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये बड़ा एक सिंपल सा कहता है शॉर्ट सा मेथड है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड को क्या करने का उसको सॉल्व करने का उसको बड़े शॉर्ट मिलाने का। तो ये आपकी डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिखी थी कि आपको ये मैं कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर ही फिर मैंने डिसाइड किया कि क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये कराऊंगा, उस उधर ही दोबारा सिंथेटिक डिवीजन एक दफ़ा कराऊंगा फिर उसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपको दोबारा से। तो जब एक्सरसाइज 2.6 हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह ये आपको कंप्लीट फिर दोबारा से मैं समझाऊंगा। तो बहरहाल सिंथेटिक डिवीजन के लिहाज से आप इतना सा याद रखें कि सिंथेटिक डिवीजन एक बड़ा सिंपल सा शॉर्ट सा मेथड है लॉन्ग डिवीजन से बचने के लिए जब एक पॉलीनोमियल को किसी दूसरी लीनियर पॉलीनोमियल से डिवाइड किया जाता है। ये बेसिकली जो यूज़ होता है सिंथेटिक डिवीजन, ये बड़ी इक्वेशन यानी क्यूबिक बाइक्वाड्रेटिक या आर्डर 5 वाली या 6 वाली उन इक्वेशंस को जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके लिए ये सिंथेटिक डिवीजन आप क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नो उसको बड़े आसान से मेथड है आगे सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे आपके पास ये इक्वेशन पड़ी है इसका आर्डर 4 है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, तो इस इक्वेशन को हम सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक में, फिर क्वाड्रेटिक के आगे आगे सॉल्यूशन यानी इसके रूट्स आ जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर, अगर आपको आज के लेक्चर में कोई इशू हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सिंथेटिक डिवीजन आपको दोबारा इंशाल्लाह एक दफ़ा मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पिक करने से पहले, एक्सरसाइज के स्टार्ट से पहले आपको सिंथेटिक डिवीजन ज़रूर कराऊंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।